कोरोना वायरस की वजह से इस समय पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में ज्यादातर कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे रही हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम यानी कि अपने घर से ही काम कर लें। जाहिर है लॉकडाउन में आप घर से तो बाहर निकल नहीं सकते, मीटिंग कैसे करें आप? मीटिंग कैसे करें, इस सवाल का जवाब जब तलाशना शुरू किया गया तो एक ऐप काफी चर्चा में आ गई। आपने भी इस ऐप का नाम सुना होगा, इस ऐप का नाम है जूम। इसकी खासियत यह है कि इस पर एक से लेकर 100 तक लोग एक साथ एक समय में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, यानी आप एक दूसरे के चेहरे भी देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में इस ऐप का इस्तेमाल अचानक बड़ी तेजी से बढ़ गया। और जैसे जैसे इस ऐप का इस्तेमाल बढ़ा, इस ऐप को लेकर चर्चा बढ़ी, इसको लेकर सवाल भी खड़े होने लग गए। आरोप यह लगा कि इस ऐप पर आपका डेटा सुरक्षित नहीं है, यानी कि अगर आप जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके मोबाइल का डेटा, आपके लैपटॉप का डेटा, आपके आईपैड का डेटा, वो किसी और के हाथ में भी जा सकता है। अगर वाकई ऐसा है तो यह बहुत खतरनाक स्थिति है। तो आज हम आपको बताएंगे जूम ऐप को लेकर जितनी तरह की चिंताएं पूरी दुनिया में सामने रखी गई हैं वो क्या हैं, और साथ ही जूम ऐप का इस्तेमाल करना आपके लिए खतरनाक है या नहीं। साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत में एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, CERT IN। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया। इस एजेंसी के पास जब जूम का मामला गया तो एजेंसी ने जूम का इस्तेमाल करने वाले भारतीयों को चेतावनी दी कि आपको इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए काफी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने सावधानी का इस्तेमाल ना किया तो ये ऐप आप पर साइबर अटैक का जरिया बन सकती है। साथ ही इसे यूज करने वाले की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी लीक होकर साइबर अपराधियों के पास जा सकती है। अमेरिकी वेबसाइट सीनेट के मुताबिक कैलिफोर्निया में इस ऐप पर एक लॉसूट यानी कि एक मुकदमा भी फाइल कर दिया गया, और इस मुकदमे को फाइल करने के लिए तीन चीजों को आधार बनाया गया। सबसे पहला आधार यह है कि ये ऐप फेसबुक के साथ अपने डेटा को शेयर कर रही है, यानी कि जो जानकारी आप उनको दे रहे हैं वो उसको जानकारी को फेसबुक के साथ साझा कर रहे हैं। दूसरा आधार, ये ऐप आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं देता, जैसा कि आजकल व्हाट्सएप भी देता है आपको। आप जब किसी को मैसेज करते होंगे तो ऊपर लिखा रहता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है इसमें। और तीसरा आधार ये कि इस ऐप के जरिए आसानी से यूजर के वेबकैम को भी एक्सेस किया जा सकता है। और सिर्फ सीनेट ही नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी जूम के ऐप को लेकर थोड़ा सा अध्ययन किया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने पाया कि हजारों लोगों के पर्सनल जूम वीडियोस इंटरनेट पर फ्री स्पेस में उपलब्ध हैं, यानी कि आपने जूम के जरिए जो बातचीत की, जो वीडियोस इधर से उधर हुए, वो सारे इंटरनेट पर किसी तीसरे, किसी अनजान आदमी के देखने के लिए भी उपलब्ध हैं। इन वीडियोस में से वॉशिंगटन पोस्ट ने 5 लोगों का पता लगाया, उन तक पहुंचे, उनसे बात की और उनसे पूछा, तो उनमें से किसी को यह मालूम नहीं था कि उनके वीडियोस लीक होकर आखिर इंटरनेट पर कैसे आ गए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रायन क्रब की माने तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको इंटरनेट पर एक घंटे में ही 100 जूम मीटिंग आईडीज ढूंढकर सामने रख देंगे, यानी कि 100 ऐसे लोग जिन्होंने मीटिंग्स की होंगी। ऐसी बहुत सारी और खामियां इस ऐप में पाई गई जिनकी वजह से गूगल ने और एलन मस्क की SpaceX ने भी जूम ऐप का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री ने जूम ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इन सारी रिपोर्ट्स के बाद जूम ऐप बनाने वाली कंपनी के CEO एरिक युआन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने माफी मांगी और साथ ही यह भी कहा कि कंपनी लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए हर संभव काम करेगी। और उन्होंने ये वादा भी किया कि अगले 90 दिन में यानी कि 3 महीने में वो इससे जुड़े सारे सिक्योरिटी इश्यूज को सॉल्व कर लेंगे। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आखिर एरिक युआन है कौन। जूम ऐप के फाउंडर हैं एरिक युआन और वो एक चाइनीज अमेरिकन हैं। पिछले कुछ ही दिनों में जूम की पॉपुलैरिटी का ग्राफ किस हद तक बढ़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि पिछले 3 महीनों में उनकी नेटवर्थ 112% बढ़कर $7.5 बिलियन हो गई है। और सिर्फ 3 महीनों के अंदर वो ब्लूमबर्ग की बिलियनर्स की लिस्ट में 192 नंबर पर आ गए हैं। दिसंबर 2019 में जूम ऐप के एक्टिव यूजर्स की तादाद थी 1 करोड़, जो मार्च 2020 में 20 करोड़ तक पहुंच गई है, यानी कि 20 गुना ज्यादा।